हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल अप एंड बी डॉक्टर पूनम। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब वो ब्रश करते हैं तो उनके दांतों और मसूड़ों से खून आता है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है और मोस्टली बहुत सारे लोगों का इसका आंसर भी पता होता है। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि नॉर्मली तो खून नहीं आता, ब्लड नहीं आता, लेकिन जैसे ही ब्रश करते हैं सिर्फ ब्रशिंग के टाइम हमारे दांतों से खून क्यों आता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूर्णम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है दांतों में ब्रश करते वक्त ब्लड आने का, उसका वो जो डिजीज़ होती है उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है कि ये मोस्टली आपको 90% लोगों में मिल जाएगा। सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ, हमारे इंडिया में, बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी मतलब लोग अपने दांतों और मसूड़ों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है दांतों से रिलेटेड। तो मोस्टली काफ़ी लोगों के जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम रहती है सारे मतलब दांतों में। न तो उनके बदबू आती है, न कैविटी है, दांत एकदम मजबूत है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम, यानी कि जब वो ब्रश करेंगे तो उनके खून आता है। तो इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो मैं अभी आपको वन बाय वन उनका रीज़न समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट तो ये है कि बहुत सारे लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम रहती है। पायरिया मतलब दांतों और मसूड़ों में दांत होते हैं उनमें कैलकुलस फॉर्म हो जाता है, प्लाक फॉर्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो मसूड़े हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। इसकी वजह से उन लोगों के दांतों और मसूड़ों में जैसे वो ब्रश करते हैं तो खून आता है। ये तो है डिजीज़ की बात कि भाई इस बीमारी की वजह से दांतों और मसूड़ों में खून आता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप स्केलिंग करवाइए, रूट प्लानिंग करवाइए, और जो मेडिकेशंस आपको डेंटिस्ट दे वो उसको आप प्रॉपरली लीजिए, तो उससे आपके दांत और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। ये तो हुई कि अगर आपके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है उसकी वजह से खून आ रहा है तो उसके लिए क्या है। लेकिन कुछ लोगों के जनरली थोड़ा बहुत ब्लड आता है, नॉर्मली जैसे वो ब्रश करते हैं उनके ब्लड आता है, उनके कोई पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उनका एक रीज़न ये है कि वो हार्ड ब्रशिंग करते हैं और एक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ नहीं करते। उनको ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता होती अच्छे से, वो हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं जिससे उनके मसूड़े टूट जाते हैं, और अच्छे से ब्रश हार्ड ब्रशिंग करने की वजह से उनके मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो हार्ड ब्रशिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है दांतों और मसूड़ों से खून आने का ब्रशिंग के दौरान। तो अगर आप ऐसे इस टाइप की ब्रश कर रहे हो तो इसको अवॉइड कीजिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए। हर 3 मंथ्स में ब्रश ज़रूर चेंज कीजिए और एक प्रॉपर टेक्निक से ब्रश कीजिए। मैंने ब्रशिंग टेक्निक पे वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग देखना चाहो तो उसको देख सकते हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनके अलावा एक रीज़न हमारे इंडिया में सबसे कॉमन रीज़न ये है कि अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखते दांतों और मसूड़ों की। ओरल हाइजीन पुअर होने की वजह से दांतों और मसूड़ों से खून आता है। आप दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते, फ्लोस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इंटरडेंटल ब्रशेज यूज़ नहीं कर रहे हो, आप खाना खाते हो लेकिन आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हो, बस टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत ब्रश कर लेते हो, अच्छे से कुल्ला नहीं करते हो, इस अगर आप अपने माउथ को अच्छे से साफ़ नहीं रखोगे तो ये भी एक बहुत मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपके दांतों और मसूड़ों से ब्रशिंग के टाइम खून आता है। आपके मसूड़े बहुत स्वस्थ होंगे, आपके दांत भी मजबूत होंगे, तो आपको ये लगता है कि नहीं हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चाहे दांत कितने भी मजबूत हो, कितने ही मसूड़े अच्छे लग रहे हो देखने में, लेकिन अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे तो आपके मसूड़ों से खून जरूर आएगा। तो अच्छे से ओरल हाइजीन अगर अच्छी मेंटेन रखोगे तो आपकी ये जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होएगी। इनके अलावा आप जो भी कुछ खाते हैं, कोई भी खाना, स्टिकी जो हम लोग खाना खाते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाता है, और उसके फंसने की वजह से कैलकुलस और प्लाक में फॉर्म हो जाता है, और जब हम ब्रश करते हैं तो उस पर जोर पड़ता है, मतलब प्रेशर, जैसे प्लाक और कैलकुलस की वजह से मसूड़ों पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से भी दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है ब्रशिंग के दौरान। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने मुंह और दांतों और मसूड़ों की अच्छे से देखभाल करनी है, दिन में 2 बार ब्रश करनी है, हर खाने के बाद कुल्ला करना है, और फ्लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो तो माउथ वॉश यूज़ करिए, नहीं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
कोई भी क्योरी हो, दांतों में दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्योरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।